हमारी भूमि है और हमारे लिए नहीं मिल रहा, न नौकरी न चाकरी, कहाँ जाए। अभी जिसका बाप फौज में होगा उसका बेटा खा रहा, और जिसका नहीं होगा क्या खाएंगे। तो लिखा गया है कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य जो डॉक्यूमेंट है वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, और वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र बाहर से आया हुआ 5 साल में यहाँ रहकर कोई भी व्यक्ति बना ले रहा है। पैसे नहीं है, महंगाई देखो आसमान छू रही, क्या होगा मोदी दादा, है कि नहीं, करो उत्तराखंड के लिए कुछ करो। कारण क्या है कि जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं उनको उत्तराखंड से चीजों को ले जाना है, प्रॉफिट ले जाना है, और यहाँ के लोगों को जो है निम्न स्तर पे रखना है, क्योंकि बाहर से जो राज्य से युवा जो यहाँ पे आ रहे हैं वो हमारे नौकरियों का, हमारे जो यहाँ पर संसाधनों पर हक जमा रहे हैं, और वो हमसे ज्यादा लाभ ले रहे हैं। देहरादून में आज भू कानून समन्वय संघर्ष समिति और तमाम जो उत्तराखंड के दल हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, बाहर से दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। भू कानून और मूल निवास को लेकर एक लंबी रैली ऑर्गेनाइज की जा रही है। दूर दूर तक अगर आप देखें तो उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950, और हम पहाड़ के मूल निवासी तो हमें स्थायी निवास क्यों नहीं, इसको लेकर लगातार नारेबाजी हो रही है। और अगर दूर तक नजर, जहां तक भी नजर जा रही है वहां तक लोग मौजूद हैं, तमाम लोग यहां पर इस समय एकत्रित हुए हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने इस समय बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, इनको हम सब जानते हैं, लगातार बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। और इससे पहले मैं बता दूं आज उतनी ही भीड़ एकत्रित हुई है जो पहले पेपर लीक को लेकर बॉबी पवार ने एक आंदोलन किया था जिसमें लाठी चार्ज भी हुई थी युवाओं के ऊपर, उसके बाद आज इतनी भीड़ एकत्रित हुई है, बड़ी रैली है। दूसरी तरफ मोदी है ना कि रैली चल रही है, लेकिन पहाड़ के लोगों में जोश देखता ही बनता है। बॉबी से जानेंगे, बॉबी कितनी बड़ी रैली है आज, आप काफी दिन के बाद इतनी बड़ी रैली उत्तराखंड में देख रहे होंगे, पहाड़ के लोग आज मैदान में उतरे हैं तो क्या कहेंगे। देखिए आज उस उत्तराखंड आंदोलन की याद आ रही है, जो आंदोलन उत्तराखंड में जो जनता का आंदोलन था आज वही आंदोलन फिर से खड़ा हुआ है। आज भी हर एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है और ये जनता का आंदोलन है, और जनता का आंदोलन इसलिए है कि जो इस उत्तराखंड के युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, यहाँ के एक एक घर जो पूरा उत्तराखंड का ये घर है और उत्तराखंडी है, उनके साथ जो छलावा किया गया यहाँ की सरकारों द्वारा, यहाँ की सरकारों ने बड़े स्मार्टली तरीके से, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने बड़े स्मार्टली तरीके से मूल निवास को परिवर्तित करके स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया। रैली के 2-3 दिन पहले एक के बाद एक आदेश निकल के आए, पहले मूल निवास और स्थायी निवास को एक करने की कोशिश की गई, जिनके पास मूल निवास है उन्हें स्थायी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, तो कैसे देखते हैं ये रैली का असर है। देखिए रैली का असर है, और मैं ये कहता हूँ कि कमेटी तो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी बनाई थी भू कानून के लिए, कहाँ तक पहुंची नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, जो उस लेटर से गुमराह किया जा रहा है, उसमें तो ये लिखा जा रहा है कि कोई भी जिसके पास मूल निवास है उनको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आप स्थायी बनाइए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का युवा ये चाहता है, जितने भी जीओ उत्तराखंड में बने हैं सरकारी नौकरियों के लिए, उन सभी शासनादेशों में लिखा गया है कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य जो डॉक्यूमेंट है वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, और वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र बाहर से आया हुआ 5 साल में यहाँ रहकर कोई भी व्यक्ति बना ले रहा है। यहाँ तो राजस्थान से आए लोगों को भी नौकरी मिल रही है। कह रहा हूँ कि यहाँ 5 साल जो रह रहा है सब बना ले रहे हैं। उन शासनादेशों में चेंजेस करने पड़ेंगे, उन शासनादेशों में लिखना पड़ेगा कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के लिए स्थायी निवास नहीं बल्कि मूल निवास प्रमाण के साथ। काफी सारे युवा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? दीपेंद्र, टीरी गढ़वाल से आ रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज रैली में आए हैं, दिमाग में क्या लेके चल रहे हैं? बस यही चाहिए हमें कि मूल निवास जरूरी है, और हम बाहरी लोगों को नौकरी लगाया जा रहा है, यहाँ उत्तराखंड वालों को कोई फायदा नहीं मिल रहा। हमारी मांगे यही है 1950 मूल निवास वो कानून जरूरी चाहिए। लेकिन मूल निवास सोशल मीडिया पे भी कई लोग अपने मूल निवास के पत्र डाल रहे थे, काफी वायरल भी हो रहे हैं लोगों के मूल निवास के पत्र। जिनके पास मूल निवास है पत्र, इस समय मौजूद हैं, पुराने लोग हैं, उनको भी उनके हक नहीं मिल रहे हैं, उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है, उसको लेकर क्या करेंगे? मूल निवास मिलने से नौकरी मिलना शुरू हो जाएगी? नौकरी नहीं, पर हमारा नौकरी मिलनी जरूरी हो जाएगी उससे ना, जब मूल निवास हमारा खुद का होगा, हमारा हम कोदा जंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बचाएंगे, सीधा सीधा मतलब है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह दानू है और मैं हल्द्वानी से आया हूँ, और मैं आज अपनी पहचान कि मैं उत्तराखंडी और अपने अधिकारों के आया हुआ हूँ। अब बात करें रोजगार की ना,
तो हमारे जो जियो है, जितने भी जियो है वहाँ पे जब मूल निवास लिखा ही नहीं जा रहा, तो वहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र की वैल्यू क्या है? मूल निवास प्रमाण पत्र भी तभी जब उसमें जियो में लिखा जाए कि मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है और हर किसी उत्तराखंडी का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तभी जाके रोजगार में भी उसको फायदा मिलेगा। आज आप देख रहे हैं एम्स ऋषिकेश, आप वहाँ देख रहे हैं 600-700 लोग जो बाहरी राजस्थान से आए हुए, उनको यहाँ रोजगार मिला। लेकिन हमारी जो बहनें ना नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं, वो यहाँ से मेरे को रोज रिज्यूम भेजती है, भैया कहीं हॉस्पिटल में वैकेंसी होगी बताइएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में या दिल्ली। लेकिन सरकार ये कह रही है कि अगर मूल निवास सबको मिल जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, मूल निवास मिल जाता है, बड़े बड़े जो कंपनी वाले हैं, इन्वेस्टर हैं, वो कैसे आएंगे? आपका क्या नाम है, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? मेरा नाम यशपाल रावत है, मैं चकराता से आया हूँ। जहाँ तक बात इन्वेस्टमेंट की है, अगर हमारे को भू कानून का जो हमको मिलता है, मूल निवास का हमको मिलता है, इससे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं आएगी। कारण क्या है कि जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं उनको उत्तराखंड से चीजों को ले जाना है, प्रॉफिट ले जाना है और यहाँ के लोगों को जो है एकदम निम्न स्तर पे रखना है। लेकिन यहीं का आदमी अगर खुद इन्वेस्ट करेगा और हमारे को, हम यहाँ उत्तराखंड जो पूरा पहाड़ी इलाका है, खेती बाड़ी वाला इलाका है, हमारी ग्रोथ, हमें कोई तेज ग्रोथ नहीं चाहिए, हम अपना खेती बाड़ी करेंगे और हमको सुविधाएं चाहिए स्वास्थ्य की, पढ़ाई की। और जो ये डेवलपमेंट चल रहा है, चार चार लेने खोद देते हैं, किसके लिए खोद रहे हो? बाहर की जनता यहाँ आनी चाहिए, उसके लिए खोद रहे हो, लेकिन किसके तौर पे? लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि टूरिज्म नहीं होगा तो लोगों का क्या होगा। ऐसी एक इमेज बनाई जाती है कि अगर, या फिर अगर हम देखें तो उत्तराखंड अगर में अगर टूरिज्म नहीं होगा तो उत्तराखंड के लोग भूखे मर जाएंगे। कितना सही मानते हैं इसको? मैंने खुद जो है होटल मैनेजमेंट किया है और 20 साल की नौकरी करी है 5-6 होटल्स में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो सौंदर्यकरण है, जो यहां पर जो है लोगों के अंदर एक, आप होम स्टे की बात करते हैं, होम स्टे के लिए लोन लेने के लिए जो एक आम आदमी को दर दर की धक्के खाने पड़ते हैं, अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो लेकिन उसका रास्ता जो इतना कठिन है कि वो आम आदमी को उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। जिसके पास तर्क है, जिसके पास पैसा है, वो अपना जो है, यदि आप बोलोगे ना, यदि बैंक वालों को आज पूछेंगे कि अगर 100 फाइल आपके पास है तो कितने लोन सैंक्शन हो रहे हैं, 2%, 3%, बाकी फाइलें वही की वही अटकी हुई है। आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहते हैं? विमल ढोंडियाल, देहरादून से। हमने उत्तराखंड इसलिए बनाया था ताकि यहाँ की संस्कृति सभ्यता को बचाया जा सके। हम चाहते हैं कि हिमाचल की तर्ज पे यहाँ पे भी भू कानून लागू किया जाए। और जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ के डेवलपमेंट की बात है, बाहर की इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे, उनको लीज पे दे दी जाए जमीन और यहाँ का लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए। वहाँ आप देखिए, आप इधर जाएंगे ऋषिकेश में तो राफ्टिंग वगैरह सारे बाहर के लोग बसे हुए हैं, वहाँ पे कैंपिंग सारे वो कर रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? भू कानून के बारे में बताइए, आप क्या सोचते हैं भू कानून और मूल निवास के बारे में? कितनी जानकारी आपके पास है, क्या कानून होना चाहिए? देखिए, मैं चकराता से आया हूँ, सुनील सिंह चौहान मेरा नाम है। तो मुझे इस उत्तराखंड को बचाने के लिए स्पेशल आज आना पड़ा है और मैं सुबह का चला हुआ हूँ वहाँ पे और यहाँ 5 बजे पहुँच गया था मैं मॉर्निंग में। तो कहना मतलब ये है, जो हमारे उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार चल रहा है और ये जो बाहर के लोग यहाँ निवास कर रहे हैं तो ये क्यों, और यहाँ के जो लोग है वो बाहर जाके होटलों में चपरासी नौकरी, मतलब उनको खुशा जा रहा है एक तरफ से, और यहाँ के जो बड़े बड़े नेता लोग है वो बिक चुके हैं और वो क्या कहते हैं, बाहर के लोग यहाँ पे जबरदस्ती यहाँ पे लगा रहे हैं उनको, उनको बोल रहे तुम्हारा मूल निवासी है, तुम्हारा स्थायी निवासी है। और जो यहाँ का, क्यों पहले हम जब फॉर्म भरते थे, हमने जितने फॉर्म पहले भरे हैं उसमें मूल निवास मांगा जाता था। पर मूल निवास में क्या होना चाहिए, आप भाई साहब बताइए कहाँ से हैं, क्या नाम है, मूल निवास में और भू कानून में क्या होना चाहिए लोगों के लिए? जी, मैं ऋषिकेश से हूँ और उत्तराखंड आंदोलनकारी भी हूँ। सबसे पहले तो आज जो है इंद्रमणि बडोनी जी की जो है जयंती भी है, तो मैं उनको नमन करता हूँ, उनकी बदौलत जो है आज हम इस राज्य में सांस ले रहे हैं। मूल निवास और भू कानून ऐसी चीज है कि जो हमारी रीढ़ है, अगर हम एक तरफ विकास कर रहे हैं, विकास बिना रीढ़ के विकास हो रहा है, जब तक भू कानून लागू नहीं होगा और जब तक मूल निवास 1950 लागू नहीं होगा, हम कुछ नहीं है। हमारी पहचान को हटा दिया गया है इन राजनीतिक दलों द्वारा। जो भी राजनीतिक दल यहाँ बारी बारी से राज करते आ रहे हैं वो उत्तराखंड के प्रति जो है बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। हमारे बताइए, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? ऋषिकेश से, दिलावर भी से। मूल निवास और भू कानून के बारे में क्या सोचते हैं? आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, ऋषिकेश से आए हैं, तो क्या चीजें हैं मूल निवास और भू कानून में आनी चाहिए? हम राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, अभी हैं, कहने का भू कानून और मूल निवास बहुत जरूरी हो गया हमारे। आज हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, मतलब अपने प्रदेश में रोजगार न मिलकर अन्य प्रदेशों की ओर वो पलायन हो रहे हैं,
और लोगों से जानकारी लेंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सर मैं बिट्टू वर्मा, बेरोजगार संघ के सदस्य हूँ और मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ की जनता को और यहाँ के तमाम उत्तराखंड के वासियों को कि हमारी जो पहचान है, मूल निवास है और भू कानून है, वो आवश्यक क्यों है? क्योंकि बाहर से जो राज्य से युवा जो यहाँ पे आ रहे हैं वो हमारे नौकरियों का, हमारे जो यहाँ पर संसाधनों पर हक जमा रहे हैं और वो हमसे ज्यादा लाभ ले रहे हैं। कारण ये तो है, अगर इसका निचोड़ निकालें, मूल निवास में जो मूल निवास के लोग हैं उनको प्रमाण पत्र दिए जाने चाहिए, उनको सरकारी नौकरी में उनकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए और जो भू कानून है उसमें कानून आना चाहिए कि बाहर से कोई जमीन ना खरीद पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा होना चाहिए, खरीदे आवश्यकता मतलब अपनी योग्यता अनुसार, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन सशक्त भू कानून चाहिए और उसमें एक क्राइटेरिया चाहिए कि किस आधार पर उनको दी जाती है। और जैसे हमारे पड़ोसी राज्य देखो, आप बताइए, आप बताइए, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ को इन्होंने बिना मांगे लिया, हमने तो इसको आहुत दिया है, तो हमारी आहुत देने का, हमारे जो बच्चे हाई स्कूल इंटर करने के बाद उनको पहले प्रमाण देना चाहिए समूह गांव में, उसमें भी तुमने बहुत सारी कैटेगरियां रख दी जिससे हम आ ही नहीं पा रहे हैं। बाहर के जो लोग यहाँ पहले से बसे पड़े उन्हीं के बच्चों में रहते हैं हमारे बच्चे, आज हमारा पलायन का कारण ही मुख्य यह है। अगर हम भूकानू होता और हमारा यहाँ पे मूल निवास होता, मूल निवास क्या, हम तो यहाँ के आजीवन पैदा, हमारे बाप दादा पढ़ते थे, हमारा तो सब कुछ यही था, हमें मूल निवास की जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती इन्होंने। और लोगों से बात करेंगे, काफी भीड़ है यहाँ पर, महिलाएं भी एकत्रित हुई हैं, महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि मैम क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? हम आए चमोली से, कनफरियाक। तो भू कानून को लेकर और मूल निवास को लेकर क्या कहती है, महिलाओं के लिए कितना जरूरी है? जरूरी है, महिलाओं के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी है, है कि नहीं? हमारी भूमि है और हमारे लिए नहीं मिल रहा, न नौकरी न चाकरी, कहाँ जाए? अभी जिसका बाप फौज में होगा उसका बेटा खा रहा, और जिसका नहीं होगा क्या खाएंगे? लड़ाई मच रही घर के अंदर, पैसे नहीं है, महंगाई देखो आसमान छू रही, क्या होगा मोदी दादा, है कि नहीं? करो उत्तराखंड के लिए कुछ करो, हमारे बुजुर्ग मर गए वो करके, ये क्या बोलते इसको, मंडोला जी है, कुछ करो हमारे लिए, हमारे बेटी बहू के लिए, हमारे बेटे दर दर की ठोकरे खा रहे, कहाँ जाएंगे हम? और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ अभी जुड़ी हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर लिरिसिस्ट अद्वैता काला जी, उनसे बात करते हैं। आज वो पहुंची हैं इस रैली में हिस्सा लेने, आखिर क्या कारण है कि वो चकाचौंध की दुनिया छोड़ के यहाँ पहुंची हैं, आज इस रैली में हिस्सा ले रही हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है। मैम आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या वजह है आप इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं और आपके इस समय जहन में क्या चल रहा है मूल निवास और भू कानून को लेकर? बिल्कुल, मूल निवास कानून होना चाहिए, भू कानून, सशक्त भू कानून होना चाहिए, जो अगर हिमाचल में हो सकता है, पूर्वी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हो सकता है, कुछ ट्राइबल एरियाज में हो सकता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? क्योंकि पहाड़ी लोग शांत होते हैं, चुप बैठते हैं, इसलिए आपको लगता है कि आप कुछ भी कर ले, कुछ भी बदलाव ले आए, लैंड माफिया को आप जमीन देते रहे और पहाड़ी व्यक्ति कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो तो शांत है, वो कहीं चला जाएगा, कहीं वेटरी की नौकरी करेगा, कहीं की नौकरी करेगा, फौज में निकल जाएगा, महिलाएं अकेले रहती पहाड़ों में, इतने अब अत्याचार शुरू हो रहे हैं पहाड़ों में कि हम क्या बताएं। आज एक तरफ भू कानून की रैली चल रही है, दूसरी तरफ मोदी है ना की रैली चल रही है, किस तरह से आप देखती है भाजपा जो है लगातार मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि मोदी है ना और मोदी की गारंटी है, तो मोदी की गारंटी में मूल निवास और भू कानून को लेकर किस तरह से सम्मिलित किया जाए कि वो बात उन तक पहुंचे, या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को समझें और इस पर एक्शन लें और चीनी जमीन पे उतरे? देखिए, ये लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई अस्तित्व के लिए, वो ऐसी बोल लड़ाई है, तो अगर जो भी कोई समाधान ला पाए, ये नहीं, हम नहीं चाहते कि ये चलता रहे, 5 साल चले, 10 साल चले, इन पर इन्होंने किया क्या है? आप कमेटी बनाते हैं, 2018 में आपने लॉ बदला, उसके बाद की 2 कमेटियां बदली हैं, कमेटी के उद्घाटन करने से कुछ नहीं होता है, और हम भी मोदी के समर्थक हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और मोदी बहुत प्रिय हैं यहाँ की जनता के, उनको भी पता है, और अगर यहाँ की जनता की आंतरिक आवाज़ है कि हमें भू कानून चाहिए, हमें अस्तित्व के लिए, हमें देवभूमि को रक्षा करनी है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी तो समझेंगे ही, मुझे इतना विश्वास है उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिखाना चाहेंगे कि दूर दूर तक जो है वो रैली चल रही है और आज
जो जिन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए जो विचार सबसे पहले रखा था और लड़ाई सबसे पहले लड़ी, इंद्रबनी बडोनी, उनकी आज जयंती है और उनकी जयंती के उपलक्ष में आज इतनी बड़ी रैली का होना एक अपने आप में सिंबॉलिक है। कल जो है 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन है, जिन्होंने उत्तराखंड बनाने में केंद्र की तरफ से भूमिका निभाई थी और कहा जाता है कि अटल ने बनाया है, मोदी संवारेंगे। लेकिन आज पहाड़ से तमाम लोग एकत्रित यहाँ पर इसीलिए हुए हैं कि ये जो है मैसेज जाए कि पहाड़ के लोग क्या चाहते हैं, मूल निवास चाहते हैं, भू कानून चाहते हैं, सशक्त भू कानून बने, जिससे कि लैंड माफिया जिस तरह से पैर पसार रहे हैं उनका जो है उस पर रोकथाम लगे और पहाड़ के लोगों का उनका हक मिल सके।